वीडियो का एक भी शब्द ना ओपिनियन है, न राय, न मेरा कोई निजी विचार, व्यू या दृष्टिकोण, और इससे पहले आगे बोले जाने वाली भाषा, दिए गए तथ्य और तर्क को कुछ लोग सेलेक्टिव प्रोपोगेंडा का नाम दे। देखो, दो राज्यों के बीच किसी भी तरह का कंपैरिजन नैतिक रूप से सही नहीं है, फिर भी देश में उत्तर प्रदेश हिंदू मुस्लिम और अपराध के लिए सबसे ज्यादा बदनाम, वहीं केरल सबसे पढ़ा लिखा और खुशहाल राज्य के रूप में मशहूर। अब इस मिथक को तथ्यों के आधार पर देखते हैं। केरल का लिटरेसी रेट 94% है, वहीं उत्तर प्रदेश का कुछ 68%, लेकिन 2021 एनसीआरबी डाटा के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा क्राइम रेट वाला राज्य केरल है। अब कुछ बुद्धिजीवी ये जरूर बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर रेप, राइट्स, मोलेस्टेशन, हस्बैंड क्वालिटी, सुसाइड, ये सब केरला से ज्यादा है। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक भी शब्द मेरा अपना निजी विचार नहीं होगा। 24 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में लगभग 2,850 रेप केसेस हुए, वहीं मात्र 3.5 करोड़ आबादी वाले केरल में 2,320 रेप केसेस। अगर केरला की आबादी को भी उत्तर प्रदेश जितनी 24 करोड़ मान ली जाए तो केरल में लगभग 14,000 रेप केसेस बैठते हैं। इसी तरह दंगों के लिए सबसे ज्यादा बदनाम यूपी में 5,300 मामले हुए और केरल में 3,520, और अगर दोनों की आबादी को बराबर करके देखा जाए तो केरल में कुछ 20,000 दंगों के मामले बैठते हैं। और ये तथ्य केवल रेप या दंगों तक सीमित नहीं है, मोलेस्टेशन, हस्बैंड क्रुएलिटी, सुसाइड, वायलेंट क्राइम, इन सब में केरला का क्राइम रेट उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा है। और ये सब आपराधिक तथ्य किसी को सही या गलत करने के लिए नहीं बताए गए, बल्कि ये बताने के लिए है कि कुछ कहानियां हैं, हुई है, हो रही है, जो हमने नहीं सुनी मगर सच है। यह पृष्ठभूमि केवल इसलिए तैयार करी गई है कि जो केरला स्टोरी अब आप सुनने वाले हैं वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि केरला से सुनिश्चित क्रमबद्ध तरीके से हिंदुओं के पतन की कहानी है। जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री खुद यह बोले कि कुछ सालों बाद केरल एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा तो समझ आ जाना चाहिए या तो हिंदू गायब होने लगा है या अल्पसंख्यक होने की कगार पर है। अब इस कथन को तथ्यों के आधार पर देखते हैं। 1951 में केरल के अंदर 62% हिंदू, 26% क्रिश्चियन और कुछ 17% मुसलमान थे। 2011 में वही केरल के अंदर कुछ 52% हिंदू बचे हैं, 13% क्रिश्चियन और मुस्लिम आबादी 27% पहुंच गई है, और ये 2011 के डाटा है और आज 2023 चल रहा है। अब जो डाटा आप सुनने वाले हैं उसके बाद आपको कई दिनों तक झटकाएंगे। पिछले 6 सालों से लगातार केरल के 27% मुसलमान हिंदुओं के 54% आबादी से भी ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। 2015 के बाद एकमात्र ऐसा पढ़ा लिखा राज्य जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं से ज्यादा आबादी पैदा कर रहा है। और आपको सुनकर चक्कर आएगा कि 2007 से 2018 तक केरल के अंदर मरने वालों में से 61% हिंदू लोग थे और कुछ 18% मुसलमान। और किसी एक धर्म का घटना और दूसरे का बढ़ना उस जगह की डेमोग्राफी और संस्कृति को कैसे तबाह करता है वो देखिए। वैसे पूरे केरल में 27% मुस्लिम है, लेकिन केरल के 65% मुस्लिम आबादी मुस्लिम डोमिनेटेड नॉर्थ केरला में रहती है। मल्लापुरम में 70%, कोझिकोड में 39%, कासागोड में 37%, और अगर आपने यहाँ की जनसंख्या परिवर्तन के आंकड़े देख लिए तो 2-3 दिन तक सिस्टम हैंग रहेगा। रमजान नहीं, यहाँ रमदान होते हैं, क्योंकि सऊदी में ऐसा बोला जाता है। घरों के बाहर नाम मलयालम या इंग्लिश में नहीं होते, अरेबिक में लिखे होते हैं। स्कूल या मॉल के अंदर नमाज के लिए अलग से जगह होती है। प्रोटेस्ट यहाँ नहीं होते, हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन धिम्मीज की तरह रहते हैं। बलियान और लुंगी की जगह अरेबिक गाउन ने ले ली, साड़ियाँ सूट सलवार को काले पर्दों ने ढक लिया। जन्मोत्सव, शोभा यात्रा या जयंती क्या होता है लोग नाम भूल गए हैं। यहाँ एक बात बहुत साफ साफ समझ आ जानी चाहिए कि भारत में लोकतंत्र, सरकार, सत्ता और ताकत केवल उनके हाथों में है जिनकी संख्या ज्यादा है। केरल की 160 सीट पर 66 सीटों की हार जीत सीधा सीधा मुस्लिम वोट डिसाइड करती है। संगठन या पार्टी कोई भी हो, मुस्लिम लीग, एलडीएफ, यूडीएफ, पीएफआई, कांग्रेस या कम्युनिस्ट, कुछ खास मिनिस्ट्रीज जैसे इंडस्ट्रीज, आईटी, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, पंचायत और ग्रामीण और शहरी विकास हमेशा इनके हाथों में रही है। सबसे ज्यादा पैसा फंड पंचायत और शहरी ग्रामीण विकास को मिलता है, और ये सारा फंड लगता है मदरसा, स्कूल, इंस्टीट्यूशन और लोकल बॉडीज के थ्रू अपने पर्सनल एजेंडा और पॉलिटिकल गेन को प्रोपोगेट करने के लिए। इसलिए किसी जगह को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कोई स्पेशल झंडा नहीं चाहिए, बस बढ़ती हुई आबादी, संख्या और कैलिफेट प्योर इस्लाम को स्थापित करने के लिए काफिरों के खिलाफ कट्टर मनोभावना। उसके लिए आपको ISIS, तालिबान, अलकायदा, जमात इस्लामी, बेइंतहा पैसा, कन्वर्टेड सेक्स स्लेव और सुन्नत की राह लिए खड़ा है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान तो यूपी और बिहार से है, तो सबसे ज्यादा
ज्यादा आईएसआईएस के फुटप्रिंट्स या लिंक्स केरला में क्यों है? अगर आप केरला के मैप को ध्यान से देखोगे तो केरल जैसे राज्य में सबसे ज्यादा 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिनमें से 3 एयरपोर्ट मुस्लिम डोमिनेटेड नॉर्थ केरला में। 2014 में आईएसआईएस की जीत और कैलिफेट की स्थापना के बाद आईएसआईएस ने भारत में सोशल मीडिया के थ्रू हिंदुओं के खिलाफ जिहाद और कैलिफेट की राह प्योर इस्लाम में अपना जीवन निछावर करने को उकसाने लगा। केरल के लोगों का सबसे ज्यादा माइग्रेशन गल्फ कंट्रीज जैसे यूएई, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, यहाँ सब होता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत इजी ट्रांसपोर्टेशन, बेइंतहा विदेशी पैसा, लव जिहाद के नाम पर कन्वर्टेड हिंदू सेक्स स्लेव, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के खिलाफ बढ़ती नफरत और दुनिया के अंदर कैलिफेट के राज को स्थापित करना, ये सब वजहों से केरला आईएसआईएस का सबसे हॉटस्पॉट बना। अगर इतना सब चल ही रहा था तो इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तो केंद्र सरकार का विषय। इस वीडियो की पहली लाइन से उद्देश्य किसी सरकार का कटाक्ष या महिमा मंडन नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में और आईएसआईएस कैलिफेट की स्थापना हुई 2014 में। ठीक एक साल बाद 2015 में नरेंद्र मोदी ने काउंटरिंग टेरर और एक्सट्रीमिज्म के लिए एक टीम का गठन किया, जिसकी नेतृत्व कमान फॉर्मर चीफ ऑफ इंडिया इंटेलिजेंस ब्यूरो सैयद आसिफ इब्राहिम के हाथों में दी। 2016 में ऑपरेशन पिजन के नाम से एक ऑपरेशन करा गया। उस ऑपरेशन में पता चला कि मुस्लिम डोमिनेटेड नॉर्थ केरला के कन्नौर से 188, मल्लापुरम से 89 और कासागोड से 69 लोगों के आईएसआईएस लोगों के साथ लिंक संबंध थे। हर एक सनातनी को अपनी सनातन जड़ों से जुड़े रहने के लिए सनातन ज्ञान की बेहद जरूरत है और ये काम करके दिखाया है श्री मंदिर ऐप ने। श्री मंदिर ऐप में आप किसी भी राज्य के किसी भी मंदिर का लाइव दर्शन कर सकते हैं, अपने नाम की पूजा करा सकते हैं और प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, और इतना ही नहीं आप घर बैठे ये सारी रिकॉर्डिंग भी पा सकते हैं। इस ऐप को IIT और IIM की टीम ने डेवलप किया है, जिसे ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और डेली इस ऐप पर 10 लाख से ज्यादा लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। आप स्वयं का मंदिर श्री मंदिर ऐप पर स्थापित कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं और उच्चारण के साथ मंत्रों का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर दैनिक पंचांग और सुविचार भी उपलब्ध कराया जाता है। तो कुल मिलाकर आपकी सारी धार्मिक जरूरतें ये एक ऐप से पूरी हो जाती है, तो देर किस बात की। मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, आप जरूर डाउनलोड कर। अगर तथ्यों पर ही बात करनी है तो घंटों तक और बोला जा सकता है, या उन लोगों का नाम लेकर जो हिंदुओं का सच केरला स्टोरी को झूठ बता रहे हैं, बस 2 मिनट लगेगी कुंडली निकालने में। लेकिन यहाँ मकसद सोए हुए सनातनी हिंदुओं को जगाने से है, जिन्हें लगता है कि ये सब ड्रामा है, कोई हमारे साथ करके दिखाए। हमारे इसी एटीट्यूड की वजह से कश्मीर चला गया, बंगाल चला गया, अब आप केरला में कभी नहीं आएंगे, और कहो तो कर्नाटक और तमिलनाडु के हालात भी तथ्यों के आधार पर साबित करके दिखा दो। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदुओं के पास अपनी आवाज, न्याय और पहचान की लड़ाई के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। लिखो, बोलो या चिल्लाओ, अगर नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ, लेकिन चुप रहना आपके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा तंत्र हमारी सनातन पहचान को कमजोर, उसे खत्म करने को उतारू है। पिछले 3 महीने से इसी पर काम कर रहा हूं और बहुत ही जल्द तथ्य और प्रमाण के साथ नई वीडियो लाऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक बात जो हर एक सनातनी को अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि लोकतंत्र, सरकार, सत्ता और ताकत केवल उनके हाथों में है जो एक है और जिसकी संख्या ज्यादा है। आपका सपोर्ट, आपका साथ, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हिंदू जागृति की इस प्रतिज्ञा को, इन वीडियोस को ऐसे ही जारी रख सकूं तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातनियों तक पहुंचाने में सहयोग करें, और मेरा यह काम जरा भी पसंद आए तो द टॉक शो को प्लीज सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।